नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठन। शिवपुरी आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ौदी क्षेत्र में गुना से ग्वालियर भेजी जा रही अवैध शराब के वाहन को पकड़ा है, जिसमें लगभग 9 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की 125 पेटियां भरी हुई थी। साथ ही एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं इसके दो साथी आबकारी विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो गए। ये मुखबिर की सूचना पर हमने बड़ौदी पे जो अपना बाईपास है शिवपुरी का, वहां से पकड़ी है। सूचना मिली थी कि गुना से एक मतलब एक मैजिक टाइप की गाड़ी भर के आ रही है और वो ग्वालियर जाएगी। इस आधार पर वहाँ मुखबिर की सूचना के आधार पर नाकेबंदी करके उसको पकड़ा है। इसमें 125 पेटियां शराब हैं, जो अलग अलग ब्रांड की शराब है, पूरी अंग्रेजी शराब है। इसमें गोवा, रॉयल चैलेंज, मैकडबल, ब्लेंडर प्राइड, बोध का भी है। इसकी लगभग 9 लाख कीमत है शराब की और 6 लाख गाड़ी की कीमत है। ये कल रात को लगभग रात को पकड़ी है। एग्जैक्ट टाइम मतलब 12-2 बजे के आसपास की वो कार्रवाई है। उसमें 3 लोग ये थे, एक को मौके से पकड़ लिया है और 2 फरार हैं, तो उन पर तलाश की जा रही है।